नमस्कार मित्रों, प्रिया जी के समाधान चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को प्रिया जी के समाधान चैनल की ओर से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस जन्मोत्सव पर मैं ये कामना करती हूँ कि भगवान हनुमान जी की बजरंग बली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। इसी के लिए आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिनके तरीके से आप शीघ्र ही श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता है, जिनकी कृपा को आप कुछ उपायों के साथ और कुछ पूजन पाठ के साथ आप उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं और उनकी कृपा का आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आज के दिन सबसे पहले रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना है। यदि संभव हो तो आप अखंड रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, किंतु यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड श्री हनुमान जी के वीरतापूर्वक सभी चरित्रों का वर्णन है, इसीलिए उसके पाठ से श्री हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आपके लिए सुंदरकांड भी संभव न हो तो आप संकट मोचक हनुमानाष्टक या हनुमान चालीसा और या फिर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो जिसका कोई हल समझ में ना आ रहा हो तब आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। किंतु इन सभी पाठों का यदि आप पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्त ग्रह बाधा संकट सबका नाश हो जाए वो बजरंग बली की कृपा से, तो आप इन सब पाठों को करने से पूर्व श्री राम नाम का संकीर्तन अवश्य करें। श्री राम राम संकीर्तन से प्रभु हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा का आप अनुभव कर सकते हैं। जब आप राम नाम संकीर्तन करते हैं तब हनुमान जी आपको प्रसन्न होकर आपके समस्त संकटों और बाधाओं का नाश कर देते हैं। यदि आप इन तीनों में से कोई पाठ भी नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ राम नाम संकीर्तन करके भी भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और राम नाम संकीर्तन से ना केवल हनुमान जी अपितु राम जी और आदिदेव भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आप राम नाम का संकीर्तन हनुमान जन्मोत्सव के दिन अवश्य करें। यह आपके समस्त ग्रह पीड़ाओं को भी नाश करेगा और आपका जीवन को सुखमय भी बना देगा। और दूसरा उपाय, इस दिन हनुमान जी को एक जोड़े लौंग जरूर चढ़ाएं, जिसमें दो लौंग हो और उसमें आपको इलायची रखनी है और हनुमान जी को अर्पित करनी है। यदि आप इलायची ना भी अर्पित करें तो दो लौंग अवश्य अर्पित करें, किंतु ध्यान रखें वो लौंग साबुत होने चाहिए, उसमें ऊपर का फूल अवश्य लगा होना चाहिए, क्योंकि लौंग गदा का प्रतीक होती है। ऐसे हनुमान जी को गदा प्रतीक अर्पित करके हनुमान जी शक्ति और बल का वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आप हनुमान जी को दो लौंग अवश्य अर्पित करें। आप चाहें तो घर पर भी अर्पित कर सकते हैं या किसी मंदिर जाकर हनुमान जी की वंदना करके आप यह लौंग हनुमान जी को भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी समस्त ग्रह बाधाएं शांत होती हैं और आपको आत्मिक बल प्राप्त होता है, जिससे आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकी में पार कर सकते हैं। और यदि आप पुरुष हैं तो संभव हो तो इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। सिंदूर का चोला चढ़ाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सिंदूर का चोला राम जी की अमरता का प्रतीक है, उनके नाम की अमरता का प्रतीक है। इससे हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। और यदि आप एक स्त्री हैं तो आप सिंदूर का चोला ना चढ़ाएं, क्योंकि स्त्रियों को सिंदूर का चोला चढ़ाने की अनुमति नहीं है। इसके विपरीत आप माँ सीता के चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं या उनकी मांग में भी सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। इससे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा और हनुमान जी के चरणों में आप एक गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल अर्पित करके हनुमान जी से प्रार्थना कर सकती हैं। आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना एक चोला चढ़ाने से प्राप्त होता है। आप हनुमान जी की विधिवत पूजा कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं, इस पर कोई भी मना नहीं है। तो इस प्रकार हनुमान जी की कृपा प्राप्त भी कर सकती हैं और आप सबके जीवन में इससे मंगल कामना भी होगी। यदि आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो इन सभी पाठों को करने के पश्चात आप प्रभु हनुमान जी से इस ग्रह की शांति की प्रार्थना करें और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, और इसकी प्रार्थना भी अवश्य करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अंत में फिर से आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।